आज मैं आपके लिए बना रही हूँ हलवाई जैसी महंगी मिठाई एकदम सस्ते में। ना कोई महंगी मेवा, ना मावा, ना मेहनत, ना ही गैस जलाएंगे, सिर्फ 5 मिनट में मिठाई बनाएंगे। बहुत टेस्टी बनती है, जो भी खाएगा आपकी तारीफ जरूर करेगा। चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1/2 कप नारियल का बुरादा। इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं मिक्सी के जार में। ये ऑलरेडी बारीक होता है, लेकिन इसको पीसना इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि मेरी मिठाई का जो टेक्सचर है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच तरबूज के बीज। जी हाँ, कोई महंगी मेवा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तरबूज के बीज से ही बहुत ही बढ़िया सा स्वाद आएगा। तो मैंने इसको पीस लिया है, ये देखिए। तो इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं 1 बड़े बोल में। अब सेम जार लिया है मैंने, और इसमें डाल देते हैं 1/2 कप चीनी। इसको भी पीस लेते हैं। चीनी को ध्यान से बहुत ही बारीक पीसेंगे, नहीं तो इसके जो कण होते हैं ना वो हमारे मुंह में आएंगे। तो इसको भी हम सेम बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप मिल्क पाउडर, और अब इन सारी चीज़ों को हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही स्मूथ बनेगी हमारी मिठाई। ये हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच गुलाब जल। जी हाँ, गुलाब जल ऐड कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आने वाला है हमारी मिठाई का। ना हो गुलाब जल तो आप इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा स्वाद आएगा। इसको मिक्स कर लेते हैं, और ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये हो गया है। और इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच दूध। सिर्फ 1 टेबल स्पून दूध ही डालेंगे, और इसका डो हमने लगा के तैयार कर लिया है। और इसके बाद इसको फिनिश करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, 1/2 छोटे चम्मच से भी कम घी डाला है। थोड़ा सा इसको स्मूथ कर लेते हैं अपने डो को। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, हो गया है और काफ़ी स्मूथ है। अब आगे के स्टेप के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3 बड़े चम्मच गुलकंद। रोज़ वाटर डाला था और अब लिया है गुलकंद। आप समझ सकते हैं कितनी बढ़िया मिठाई बनने वाली है। तो 1 स्पून की सहायता से थोड़ा सा पोर्शन इससे लेंगे। इससे क्या होगा कि सारी मिठाई के पीसेस एक ही साइज़ के बनेंगे। इसको इस तरह से गोल कर लेते हैं, ये देखिए कितना शाइनी लग रहा है। अब इसमें बीच में इस तरह से थोड़ा सा गड्ढा कर लेते हैं, बस ये जगह बन गई। और गुलकंद का बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन, 1/2 छोटी चम्मच बस इसमें लेंगे और इस तरह से रख देंगे और इसको बंद कर देंगे। बहुत ही ईजिली हो जाएगा, और इस तरह से इसको हम लड्डू का शेप दे देते हैं। तो ये देखिए हमारे गुलकंद स्टफ लड्डू बन गए हैं, और मेरे पूरे किचन में इतनी बढ़िया सी खुशबू आ रही है क्योंकि हमने इसमें डाला है गुलाब जल, तो उसकी खुशबू आनी है ना। तो इसी तरह से हमने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। ऊपर से मैं इसमें लगा रही हूँ तो कुछ बारीक कटा हुआ पिस्ता। तो लीजिए, सारे लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। कितने शाइनी लग रहे हैं, लग रहे हैं ना हलवाई जैसे। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अलग स्टाइल की मिठाई है। और मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से कैसा है। जब इसको खाएंगे और मुँह में जब गुलकंद की बाइट आएगी ना, तो बस मज़ा ही आ जाएगा। ज़रूर ट्राई करिएगा। हैप्पी रक्षा।